पहाड़ी इलाकों के विच तबाही रुकन का नाम नहीं लै रही। जिथे पहला तो लैंडस्लाइड ते फिर पत्थर डिगन का सिलसिला जारी सी, तां हुण इत्थे पहाड़ी इलाकों के विच दरखत भी टुट के डिग रहे ने, जिस करके लोगों का भी नुकसान हो रहा है ते कई जाना भी जा चुकियां ने। हुणे ताज़ा तस्वीरां सामने आईयां ने शिमला तो, जिथे लक्कड़ बाजार दे विच ए दरखत अचानक डिगया। हालांकि इस दे हेठों एक मां ते एक बच्ची लंघ रहे सन, जिन्हां नूं मसीह बचाया गया, क्योंकि दरखत टुट के पहला तो बिजली दीआं तारां ते जा डिगया, जिस करके मां ते बच्चे की जान बच गई। ते बाद विच ए तारा तोड़दा होया दरखत सड़क दे विचाले आके टिकिया। इस लक्कड़ बाजार दे विच हुण राह बंद होया पिया है ते लोग परेशान ने, दुकानदार परेशान ने। उन्हां दा कहना है कि इत्थे होर दो दरखत ने जिन्हां दे इसी तरह डिगन दा खतरा बनिया होया, जो कि पहला भी प्रशासन नूं कहा सी कि इन्हां दरख्तां नूं इत्थों कट देना चाहीदा है, पर जदों प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो हुण एक एक करके दरखत डिग रहे ने। इस वार तो बचा हो गया, पर लोगों का कहना है कि अगली बार कोई वड्डा हादसा वापर सकता है, क्योंकि इत्थे दो दरखत अजिहे ने जो इसे तरह पुराने ने ते कदी भी डिग सकते ने, अते इस बाजार दे विच कोई भी वड्डा हादसा हो सकता है। ये लक्कड़ बाजार की घटना है, हमारे यहाँ पे दुकान है, मेरा होटल है सामने, उसके सामने पेड़ गिरा है। पिछले साल जब बहुत बारिश हुई थी, हमने तब से कंप्लेंट दी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एमसी में एसडीएम साहब सबसे मिल चुके हैं, जब इन्होंने पेड़ कटिंग के लिए ऑर्डर दिए थे कि जो जो पेड़ खतरे में है उनको कटवा सकते हैं, तो फाइनली इन्होंने नहीं करी थी बात। हमने कहा था कि ये दो तीन पेड़ है, इनको आप काट नहीं सकते तो हल्का कर दो, ताकि अगर ये बाई चांस गिरे तो नुकसान कम हो। अब आपके सामने है, यहाँ पे एक बच्चा प्राइम में था और एक उसकी मेरे ख्याल मदर थे साथ में, मतलब मरते मरते बच्चे हैं। अगर ये बिजली की तार यहाँ पे ना होती तो वो और बुरी दुर्घटना होनी थी, है ना। तो अब उनसे यही गुजारिश है कि ये तो आप उठाओगे, साथ में जो दो पेड़ और हैं जो उसी के साथ ही हैं उसको ठीक करें, प्लस यहाँ पे ऊपर से जो पानी का फ्लो है बंद है, नाले नूले सब बंद है, बरसातों में किसी ने चेक नहीं करा हुआ, ऊपर नाले बंद है। यहाँ पे सारे मार्केट वालों के घर हैं, उनके पीछे से सारे नाले साफ होने वाले हैं, जो आज तक मेरे ख्याल से हाथ नहीं लगाया, कोई देखने नहीं जाता जी, कोई आप किसी की भी बात कर लो, कोई एमसी की तरफ से वो नालों को देखने भी नहीं गया हुआ। अभी तक तो हटा नहीं थी, अभी तक तो हटा नहीं, अब एम्बुलेंस के लिए तो जल्दी हटाएंगे। मान लो एम्बुलेंस रोड नहीं होती तो ये पड़ा रहता है यहाँ पे, अब तो हटेगा जल्दी, है ना। पहाड़ी इलाकों के विच तबाही रुकन का नाम नहीं लै रही। जिथे पहला तो लैंडस्लाइड ते फिर पत्थर डिगन का सिलसिला जारी सी, तां हुण इत्थे पहाड़ी इलाकों के विच दरखत भी टुट के डिग रहे ने, जिस करके लोगों का भी नुकसान हो रहा है ते कई जाना भी जा चुकियां ने। हुणे ताज़ा तस्वीरां सामने आईयां ने शिमला तो, जिथे लक्कड़ बाजार दे विच ए दरखत अचानक डिगया। हालांकि इस दे हेठों एक मां ते एक बच्ची लंघ रहे सन, जिन्हां नूं मसीह बचाया गया, क्योंकि दरखत टुट के पहला तो बिजली दीआं तारां ते जा डिगया, जिस करके मां ते बच्चे की जान बच गई। ते बाद विच ए तारा तोड़दा होया दरखत सड़क दे विचाले आके टिकिया। इस लक्कड़ बाजार दे विच हुण राह बंद होया पिया है ते लोग परेशान ने, दुकानदार परेशान ने। उन्हां दा कहना है कि इत्थे होर दो दरखत ने जिन्हां दे इसी तरह डिगन दा खतरा बनिया होया, जो कि पहला भी प्रशासन नूं कहा सी कि इन्हां दरख्तां नूं इत्थों कट देना चाहीदा है, पर जदों प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो हुण एक एक करके दरखत डिग रहे ने। इस वार तो बचा हो गया, पर लोगों का कहना है कि अगली बार कोई वड्डा हादसा वापर सकता है, क्योंकि इत्थे दो दरखत अजिहे ने जो इसे तरह पुराने ने ते कदी भी डिग सकते ने, अते इस बाजार दे विच कोई भी वड्डा हादसा हो सकता है। ये लक्कड़ बाजार की घटना है, हमारे यहाँ पे दुकान है, मेरा होटल है सामने, उसके सामने पेड़ गिरा है। पिछले साल जब बहुत बारिश हुई थी, हमने तब से कंप्लेंट दी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एमसी में एसडीएम साहब सबसे मिल चुके हैं, जब इन्होंने पेड़ कटिंग के लिए ऑर्डर दिए थे कि जो जो पेड़ खतरे में है उनको कटवा सकते हैं, तो फाइनली इन्होंने नहीं करी थी बात। हमने कहा था कि ये दो तीन पेड़ है, इनको आप काट नहीं सकते तो हल्का कर दो, ताकि अगर ये बाई चांस गिरे तो नुकसान कम हो। अब आपके सामने है, यहाँ पे एक बच्चा प्राइम में था और एक उसकी मेरे ख्याल मदर थे साथ में, मतलब मरते मरते बच्चे हैं। अगर ये बिजली की तार यहाँ पे ना होती तो वो और बुरी दुर्घटना होनी थी, है ना। तो अब उनसे यही गुजारिश है कि ये तो आप उठाओगे, साथ में जो दो पेड़ और हैं जो उसी के साथ ही हैं उसको ठीक करें, प्लस यहाँ पे ऊपर से जो पानी का फ्लो है बंद है, नाले नूले सब बंद है, बरसातों में किसी ने चेक नहीं करा हुआ, ऊपर नाले बंद है। यहाँ पे सारे मार्केट वालों के घर हैं, उनके पीछे से सारे नाले साफ होने वाले हैं, जो आज तक मेरे ख्याल से हाथ नहीं लगाया, कोई देखने नहीं जाता जी, कोई आप किसी की भी बात कर लो, कोई एमसी की तरफ से वो नालों को देखने भी नहीं गया हुआ। अभी तक तो हटा नहीं थी, अभी तक तो हटा नहीं, अब एम्बुलेंस के लिए तो जल्दी हटाएंगे। मान लो एम्बुलेंस रोड नहीं होती तो ये पड़ा रहता है यहाँ पे, अब तो हटेगा जल्दी, है ना।